हेलो हेलो दोस्तों, भाई तुम लोगों ने मेरा ये बिल तो देख ही लिया होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और बिल करूं, लेकिन यहाँ पे नहीं, एंड में देखो। ए एडिटर, थम्बा थम्बा। हाँ तो चलो भाई शुरू करते हैं इसको बनाना। तो पहले तो हम चलेंगे सबसे महंगे घर में, 50 करोड़ का तो सिर्फ इसका एक गेट आता है इस घर का। चलो, अब हमें इस बिल्ड को बनाने के लिए चाहिए होगा बहुत सारा सामान। तो उसके लिए मैंने कुछ तैयारी तो पहले से ही करके रखी है, जैसे कि अरे भाई घोड़े भाई साहब हटो भाई, बोलो मेरे ही घर में मुझे ही एनवल वापरने के लिए इसके हटने का इंतजार करना पड़ता है। एफिशिएंसी 2, एफिशिएंसी 2। भाई इनको मैक्स नहीं सिखाई है किसी ने, एफिशिएंसी 2 और 2 4 होता है यार इतने सही में। चलो ठीक है, एफिशिएंसी 3 लग गई। और हाँ सॉरी, मेरे को एफिशिएंसी 2 भी इस पे चाहिएगी। एकदम खतरनाक वाला बिल्ड होने वाला है, तो भाई एंड तक जरूर देखना, मजाक से हट के तुम सही में कमेंट ठोक कर ही जाओगे। अब वाह भाई क्या बिल्ड बना डाला। और हमको इसके लिए जाना पड़ेगा यार वहाँ जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता ज़्यादातर, नेदर में। तो चलो निकलते नेदर, और मेरे पास रॉकेट तो है नहीं, तो ऐसे ही कूदते कूदते नेदर पोर्टल पहुँच जाएंगे और उसके बाद सीधा नेदर में। तो ये आ चुके हैं अपन अपने नेदर पोर्टल के पास। भाई बस नेदर में जाते ही टपक ना जाऊँ, ऐसे कौन मारेगा भाई तुम्हारे भाई को। और देखो इसकी तैयारी के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत तो लगने नहीं वाली, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें तो है जो मैंने पहले से ही कलेक्ट करके रखी थी, जब मैंने सोचा भी नहीं था ये बनाऊंगा। फायर रेजिस्टेंस के पोशन ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा सारा सामान लावा में जल जाए और फिर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाए। तो नेदर एक हमें पहले कलेक्ट करना है, उससे पहले अपने ऊपर फायर रेजिस्टेंस का पोशन डाल दिया है। यहाँ पे भी इन्होंने हमें चूना लगा दिया, वाह माइनक्राफ्ट वालों। पहले तो हम नॉच को गाली देते थे भाई, अभी माइक्रोसॉफ्ट वालों को देंगे। तो सारा सारा नेदर एक कलेक्ट कर लेता हूँ मैं और मिलता हूँ 2 मिनट में। भाई साहब ज़्यादा नहीं, 5-6 स्टैक ही कलेक्ट किया है और थोड़ा बहुत यहाँ पे है, तो ये तो कलेक्ट हो चुका है। छूते ही टूट जाता है भाई, 4 5 6 7 पता नहीं कितने ही स्टैक जमा कर लिया है। तो नेदर एग की तो कमी होने नहीं वाली। और वहाँ पे अब थोड़ा बहुत डेकोरेशन के लिए भी सामान चाहिए, तो यहाँ पे पहले अपनी इन्वेंट्री खाली कर दो एकदम। गोल्डन एप्पल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। भाई साहब रखो इन सबको तुम, और बस इतनी इन्वेंट्री खाली हो गई, ये काफ़ी है। वहाँ पे थोड़ा बहुत पेड़ वेड़ बनाना है इसको, तो इसको तोड़ देते हैं। लेकिन एक सेकेंड, ये तो मेरे पास होगा ना शायद, एक सेकेंड एक सेकेंड। ये ब्लू प्रिंट में चेंज नहीं कर सकते हम लोग, सॉरी ब्लू पेड़, हम ब्लू प्रिंट में चेंज नहीं करेंगे। ओके, यहाँ से, अरे यार मैं भूल गया, इसके लिए सिल्क टच चाहिए। ओके सिल्क टच वाली पिकेक्स लेके आऊँगा मैं सेकेंड टाइम, पर उससे पहले ये पूरा ब्लैक स्टोन तोड़ देते हैं। अपने बाजू में ही बेस्टियन है, यहाँ पे इतना सारा तो ब्लैक स्टोन तोड़ दिया हमने। और यहाँ ये देखो, यहाँ पे अपने पास ये वुड पड़े हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सीधा चलो ओवरवर्ल्ड में बाहर, ये सब हो चुका है। अब हमें थोड़े बहुत सैंड कलेक्ट करना है, थोड़ा बहुत डर्ट कलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी काम पे शुरू कर देते हैं। और सोच रहा हूँ ये लेके चलता हूँ मॉस ब्लॉक, एक ग्रास ब्लॉक तो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, काम ऐसे ही हो जाएगा। तो तोड़ देता हूँ इन सबको, कलेक्ट करता हूँ फटाफट और सीधा बाहर निकलता हूँ, और मैं मिलता हूँ तुमसे 2 सेकंड में। तो चलो भाई बाहर तो आ चुके, तो हम अपनी डर्ट खोदने का काम चालू करते। 1 2 1 2 फटाफट तोड़ के मिलता हूँ मैं तुमसे ये भी। तो इतना सारा सामान मैंने कलेक्ट करके अपने शल्कर बॉक्स में डाल दिया है। अब इनको सेपरेट भी करना है कि कौन से साइड का कौन सा, कौन से साइड का कौन सा, ये भी हो चुका है भाई। तुमने चुटकी बजाई और सब हो गया भाई, तुम लोग बहुत, यू वेरी खतरनाक मानस। चलो भाई ये ट्विन भाई, ये इसके भाई, ये भी इसमें आ जाए एक्स्ट्रा है। भाई इसमें एक चीज बाकी है, तो मैं अपने फटाफट से लावा फार्म से लावा के बकेट ले लेता हूँ, नेदर से लाया नहीं था। ने बोला कौन इतना नीचे जाए, मैंने लावा फार्म बनाया क्यों है। ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4। तो चलो भाई चलते हैं। तो चलो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है एंड में, और लेकिन यहाँ पे भी वही मगजमारी है।
कि बिल्ड बनाना कहाँ है वो भी तो देखना पड़ेगा। यार पूरे एंड की तो मैंने पत्थर ठोक रखी हो, वो मत देखो यार, हर जगह ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स फैलाए। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से बना देता हूँ, बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसा स्टेयर्स बनाएंगे जाने की, 1 2 3 4, इसके ऊपर को ये अपना, ये तो भाई नॉर्मल प्रोसेस है। हाँ बाकी तुम में से किसी को ना आता हो तो बुरा मानने वाली बात नहीं है, बस ये वही बात हो गई कि 5th के बच्चे को ABCD नहीं आती। चलो भाई यहाँ पे डर्ट के ब्लॉक लगाना स्टार्ट करते हैं इसको। भाई तू बंद हो जा, शलकर यहाँ पे पड़ा होना चाहिए। फटाफट से 1, लेट्स गो 2। अब मैं इस तरफ को जाने दूँ खींच के या उस तरफ, इधर से ही जाने देता हूँ। 2 3, यहाँ पे 4 लगा, ओके यहाँ तक खींच के अराउंड अराउंड समझो ना 25 to 30 ऐसा खींच लेता हूँ फटाफट 2 सेकंड में। तब तक यार तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक देख रहे हो कैसा बनेगा, सस्पेंस बनाए रखना एंड में, वीडियो फॉरवर्ड मत कर देना। तो के इतना तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, और इतना कुछ हम रख देते हैं इसको वहाँ से। तो लेंथ और विड्थ तो हो गई इसकी, बाकी इसको कनेक्ट करना ही बाकी रहा। तो चलो कनेक्ट कर देते फटाफट से। लो ये कनेक्ट हो चुका है, अब बस बीच में फिलिंग करनी है हमको। तो 3 स्टैक तो बहुत कम है, वो तो मुझे पता है, पर स्टार्ट तो करे। ये बस कंप्लीट होने आया, आखिरी के 4 ब्लॉक, 1 2 3 4। चलो भाई फाइनली अपना फ्रेम कंप्लीट हो गया एक साइड का। और अब यहाँ पे अपने को एक ब्लॉक डालना है, वो है मोस्ट ब्लॉक, इसको यहाँ पे डाला। और ये अरे वो लाया हूँ मैं, ओके इसको पहले यहाँ लगा देते हैं एजिलिया को भी। इससे क्या यहाँ पे ट्रीज ब्रीज उग पाएंगे? तक मुझे पता है नेदर में ट्रीज ये शायद नहीं उग सकते, यहाँ पे उग जाएंगे कि नेदर में भी उग सकते हैं ये तुम लोग मुझे कमेंट में बता दो। फ्लावरिंग अजेलिया, और यहाँ पे हाँ मेरे पास 8 बोन है, तो उससे बोन मिल अराउंड कितना बनना चाहिए, 25 या ऐसा 24 ऐसा तो हो जाना चाहिए। ओके हो गया। ओ भाई साहब मैंने कहा था तुम लोगों को ग्रास ब्लॉक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेके चलने की, हम ऐसे ही सिल्क टच ढूंढ रहे थे। हाँ कुछ चीज़ों के लिए सिल्क टच चाहिए था। इसको भी यहाँ से लगाओ, इसको यहाँ से कंप्लीट करो, हट जा भाई फूलों के पत्तों, फूलों के पत्तों, भाई फूल है ही नहीं कहीं। इसको इसको भी यहाँ से हटा दो, इस साइड को भी कंप्लीट हो गया, इस साइड को भी कर दिया, इधर को भी कंप्लीट। भाई ये अजेलिया भी नहीं लाने थे, वो भी खोटा लाया मैं। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, पूरा ग्रीन मैट कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ को भाई थोड़े तो बचा लो, 9 ही बचे, कितने बचेंगे, कम तो नहीं पड़ेंगे कहीं। और यहाँ पे अभी डेकोरेशन भी करना है, पर पहले थोड़ा नीचे का फ्लोरिंग का काम चल रहा है। ओके यहाँ पे नहीं हो सकता ये, तो कोई ना हम यहीं से डेकोरेशन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक अच्छा सा बेम्बू लगा दूँ और उसके बाजू में लेक बना दूंगा फटाफट से। रैंडमली मेरे को जहाँ पसंद आ रहा है वहाँ बेम्बू लगा देता हूँ, ज़्यादा मतलब ग्रास नहीं है वहीं पे बेम्बू लगा रहा हूँ ज़्यादातर तो। और इनको हटा देता हूँ, ये ज़्यादा हो गए। अब लेक बनाने, ओ ओ भाई बचते बचते गए, मतलब मरते मरते बचा है तुम्हारा भाई। हो अभी जाता है नेदरराइट पूरा तेल में, नहीं यहाँ तो बचा के रखा है। ओके आइस, ऑल इज वेल भैया, हेवल भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन में चाहिए और क्या चाहिए। चलो पहले कहीं सी लालटेन लगा तो देवे, कहाँ पे लगाऊँ जहाँ रोशनी आए। ओके सेंटर में थोड़ा लगा देते हैं इधर को, ओके जस्ट परफेक्ट, इतना सारा लाइट हो गया। काश एंडर ड्रैगन जिंदा होता ये देखने के लिए, बोलता भाई अब बिजली का बिल कौन भरेगा। एक यहाँ पे भी लगा दो, चलो भाई बात खत्म। अब यहाँ पे और क्या था, एक ये मेरी सैंड और वो सब कहाँ है भाई, ग्रेवल तो मेरी इन्वेंटरी में, सैंड इसमें है क्या? ये मेरे को लगता है वो भूल से नेदर वाले में चल गई है।
हाँ ये रही, मैं बोलूँ मैं सैंड लेके तो आया था, तो यहीं इसी को हटा देते। चलो भाई तुम लोग, तुम्हारा काम हो गया, इतना ही थकता तुम्हारे पास। अरे यार ये कारपेट भाई, हटा देता है इसको। हटो इधर से भी, हटो भैया जी, तुम भी हट गए। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, और ग्रेवल, थोड़ा बहुत ग्रेवल का भी मिक्सिंग करेंगे ताकि कलर अच्छा है, तो क्यों कुछ नया लगे यार। कंप्लीट करता हूँ और मिलता हूँ। इसको यहाँ से ऊपर चढ़ाए ताकि लगे फ्लो यहाँ से आ रहा है, बाकी तो दिखाओ है। बाकी पैक डाइस यहाँ कहीं लगेगी, मुझे नहीं लगता यहाँ कहीं लगेगी। वाटर बकेट भर लेता हूँ अपनी, MLG के टाइम काम आएगी। और डेकोरेशन के लिए मैं फूल पत्तियाँ भी लाया था, इसके अंदर डालनी है मुझे, वो भी डाल देता हूँ। भाई तू भी लग जाना प्लीज़। भाई स्मॉल ड्रिफ्ट लीफ तो लगा ही नहीं, ठीक है बड़ा वाला लग जाएगा। ओके ये लग गया, ये लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो नहीं लगा। भाई इसके ऊपर जाके मस्ती करने का मन कर रहा है यार। ये इंटरकनेक्टेड थे क्या? पर कोई नहीं, चलो ये तो इतना कंप्लीट हो गया, अभी भी इनकम्प्लीट है। रुको, पर पहले मेरे को जितना बनाना था, मतलब वो 90% कंप्लीट हो चुका है वो वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट स्टार्ट करते, एकदम परफेक्ट यहीं से कनेक्टेड रखेंगे, सारी चीज़ें इधर से ही होगी। इसको भी सेम साइज़ का बनाऊंगा, 25-30। और इसको ये कंप्लीट होने आया, बस 1 2 3। चलो भाई ये भी इतना कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे थ्रोन बना दिया मैंने डेकोरेशन के लिए, वहाँ पे लेक है तो यहाँ पे लावा का थ्रोन है। और टेंशन मतलब तुम्हारे भाई ने फायर रेजिस्टेंस का पोशन लाया था यहाँ मस्ती करने के लिए। कुछ डेकोरेशन करना है भाई, तो भाई साहब क्या मस्त लग रहा है यार। पर एक सेकेंड, ये यहाँ से लावा क्यों गिर रहा है? ऑब्सीडियन, क्राइंग ऑब्सीडियन कहाँ गया? हेलो क्राइंग ऑब्सीडियन भैया, व्हाई आर यू क्राइंग इन लावा? ओके ये रहा भाई, दूर से लग जाइयो, लग जाइयो, लग जा लग जा लग जा लग जा। गलत जगह पे लगने को किसने बोला खोटा? मेरे को ये एक ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा, 1 घंटा टूटता है ये। अरे लग जा, ओके चलो भाई ये परफेक्ट है। अब मेरी पिकेक्स एफिशिएंसी 3 से भी देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेकेंड लगते हैं और मिला भी नहीं मुझे। हाँ भाई अब ये लग रहा है ना कुछ सही थ्रोन जैसा। अभी नेक्स्ट पार्ट ये बनाया था मैंने, और उसके बाजू में ये बना डाला। तो चलो भाई जितना बिल्ड करना था सब कर दिया। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये कैसा लग रहा है। अब तुम लोगों को मुझे बताना है ये कैसा है कमेंट सेक्शन में। भाई प्लीज़ एक कमेंट करके जाना अगर तुम्हें थोड़ा भी अच्छा लगे या कुछ सजेशन देखना हो। भाई साहब रेडी हो देखने के लिए? चलो ये मेरी ख्वाहिश है कि तू साथ रे, जान क्या है अब आपका विचार। ये मेरी मंजिल है अब तो पास है, किस बात का करूं मैं इंतजार। साथ फेरे संग लूं तेरे, बस रहना मुझको अब है तेरे साथ। याद आती है मुझे अपनी पहली मुलाकात, हंसी पर मैं मर ही।